अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर खुशामदीद। डिस्कस करते हैं ग्लूकागोन हार्मोन को। पिछला लेक्चर जो हमारा था सबसे पहला इस सीरीज़ में, वो था पेनक्रियास के ऊपर। फिर मैंने डिस्कस की इंसुलिन हार्मोन के सारे फंक्शंस और कमी और ज़्यादा थी। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं ग्लूकागोन को। प्लीज़, आपने अगर पिछला लेक्चर सही पढ़ा हो, सही देखा हो, तो आपको ग्लूकागोन हार्मोन की ऐसी समझ में आ जाएगी कि क्या है ग्लूकागोन हार्मोन। ठीक है, अब देखिए मैं किस तरह ट्रैक्स बता देता हूँ। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर एक इस रास्ते से आता है तो दूसरा इस रास्ते से जाएगा, तो ये एक दूसरे के एक्शंस को अपोज करते हैं। एक दूसरे के एक्शन को अपोज करना मतलब ये है कि एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। खिलाफ काम करने का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड के ग्लूकोज के अपटेक को सेल्स की तरफ बढ़ाएगा तो ये रोकेगा, सेल्स को ग्लूकोज को सेल्स के अंदर जाने ही नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ाता है, आपके सेल्स में इस्तेमाल करना बढ़ाता है, तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, ये यूटिलाइजेशन को रोक देगा। नेक्स्ट, अगर इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज के स्टोरेज को बढ़ाता है तो ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज के स्टोरेज को रोक देगा और ग्लूकोज को बाहर निकाल देगा। स्टोरेज मत करो, बाहर निकालो। इस तरह अगर इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को रोकता है तो ये ग्लूकागोन हार्मोन ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ा देगा ताकि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाए ब्लड में। तो इंसुलिन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है, ग्लूकागोन हार्मोन आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। तो जब बढ़ाएगा तो जो काम इंसुलिन करता है उसके उल्टा काम ग्लूकागोन करेगा। तो ग्लूकागोन हार्मोन को समझना इतना मुश्किल नहीं है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। ठीक है, अब अगर प्रोटीन्स पर बात करें तो अगर इंसुलिन हार्मोन अमाइनो एसिड्स को सेल्स की तरफ ले जाएगा, मसल्स की तरफ ले जाएगा, तो ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, अमाइनो एसिड्स को लीवर की तरफ ले जाएगा कि जाओ वहां से इस अमाइनो एसिड से लीवर में फिर ग्लूकोज बनते हैं, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ जाए। तो जब ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ेगा तो नए नए नया ग्लूकोज बनना जल्दी जल्दी बॉडी में स्टार्ट होगा। तो जब नए नए ग्लूकोज बनते हैं तो क्या आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है, कौन, इंसुलिन। ग्लूकागोन हार्मोन प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, अमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद देता है। तो जब अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए तो क्या प्रोटीन्स बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो यही एक मसला होता है, जब ग्लूकागोन हार्मोन आपके ब्लड में ज़्यादा हो तो आपके बॉडी में प्रोटीन्स का सिंथेसिस, प्रोटीन की जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को कम करता है, ग्लूकागोन हार्मोन प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ताकि प्रोटीन से अमाइनो एसिड बना सके और अमाइनो एसिड से फिर ग्लूकोज बना सके ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। यहां पर आते हैं, इंसुलिन हार्मोन ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो जब ये ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है, तो ये ग्लिसरॉल कहां से आता है, ये तो आता है ग्लूकोज से। ठीक है, तो जब एक ग्लूकोज दो टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा तो इससे ग्लिसरॉल बनेगा, समझ रहे हो। तो ग्लिसरॉल मिल जाएगा फैटी एसिड से और फिर बनाएंगे ट्राइग्लिसराइड, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब हम इस हार्मोन के उल्टा जा रहे हैं, तो ग्लूकागोन हार्मोन आ जाएगा और ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ देगा। तो जब ट्राइग्लिसराइड्स तोड़ जाएंगे तो किस चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं, ग्लूकोज में, और साथ साथ में फैटी एसिड, तो फैटी एसिड को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में मदद देता है, कौन, ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, फैट्स को स्टोर होने से रोकता है, मत स्टोर करो, ग्लूकोज में कन्वर्ट करो। तो ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसका फंक्शन ये है कि ये आपके ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देगा। तो देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक है। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल, गौर से सुने, गौर से सुने, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम है, ठीक है, तो ग्लूकागोन का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ग्लूकागोन इसको बढ़ा देगा। तो ग्लूकोज कम, ग्लूकागोन ज्यादा, नेगेटिव फीडबैक, एक कम हो गया दूसरा ज्यादा, समझ गए। दूसरा, ग्लूकोज का लेवल हाई, ग्लूकागोन कम, नेगेटिव फीडबैक। दूसरी,
ग्लूकोज का लेवल हाई, इंसुलिन हाई, पॉजिटिव फीडबैक। ग्लूकोज का लेवल लो, इंसुलिन लो, पॉजिटिव फीडबैक। तो जब एक चीज बढ़ता है और उसके साथ साथ दूसरी चीज भी बढ़ती है, पॉजिटिव फीडबैक। जब एक चीज बढ़ता है और दूसरी चीज कम हो जाती है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ग्लूकागन हार्मोन के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बातें लिख देता हूँ यहाँ पर, और मैंने आपको इसके फंक्शंस बता दिए दोस्तों कि सारी बातें इसके उल्टे करता है, ठीक है। आपको समझना है इसको। ग्लूकागन हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, सोर्स? तो इसका सोर्स है अल्फा वन सेल्स ऑफ पेनक्रियाटिक आइलेट्स, यहाँ है ना अल्फा सेल्स, तो इससे रिलीज होता है। प्लाज्मा लेवल इसका क्या है, प्लाज्मा लेवल? नॉर्मली आपके प्लाज्मा में ग्लूकागन हार्मोन आपके प्लाज्मा में कितना होता है, तो ये 50 से लेकर 100 पिकोग्राम पर एमएल, 50 टू 100 पिकोग्राम पर एमएल ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। और अगर हम इसके एक्शंस के बारे में बात करें तो प्लीज आप समझ गए होंगे इससे जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इसी पेनक्रियाटिक आइलेट से सोमेटोस्टेटिन भी रिलीज होता है, गैस्ट्रिन भी रिलीज होता है, पेनक्रियाटिक पेप्टाइड। तो सोमेटोस्टेटिन और गैस्ट्रिन हार्मोन, देखिए दोस्तों ये सोमेटोस्टेटिन एक ऐसा हार्मोन है, जब आपके क्लास में बच्चे शोर मचाते रहते हैं तो जब आपका टीचर आता है तो सब चुप हो जाते हैं, इसी तरह सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी है। अगर बीटा सेल्स, गौर से सुने, अगर बीटा सेल्स पेनक्रिया, अगर बीटा सेल इंसुलिन रिलीज करता है, रिलीज करता है, रिलीज करता है, तो क्या ये कभी इंसुलिन के रिलीज को रोकता नहीं? क्यों नहीं रोकता? इसको कौन कहता है कि रोक? कौन इसको कहता है कि रोको? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो ये कहीं पर भी रिलीज होगा तो उसके इर्द गिर्द सारे ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस बंद कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्लॉकर। तो ये एक कंट्रोल मैकेनिज्म है कि दूसरे सेल्स के सिक्रीशंस को अपने कंट्रोल में कर देता है। अगर वो ज़्यादा रिलीज करें तो ये जल्दी जल्दी सोमेटोस्टेटिन डी सेल से रिलीज होगा और सोमेटोस्टेटिन जाकर उसके रिसेप्टर पर बैठ जाएगा और उसको कहेगा कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, बंद करो। तो सोमेटोस्टेटिन यूनिवर्सल ब्लॉकर हार्मोन है, इसके बारे में अगर कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये दोस्तों मैंने पेनक्रियाज के एंडोक्राइन फंक्शन को आप लोगों को समझाया, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड्स को क्यों क्या करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।